Hello everyone, welcome back to my channel. So in this channel you will find out videos regarding life science examination. So today I am going to share one of my story with you. So I hope ki aap is point se jo bhi main batane wali hu you can connect with you aur jo bhi maximum benefits hain us point se le sake. So when I was preparing for the exam, so it was my second attempt. इन द फर्स्ट अटैम्प मैंने ऐसे ही एग्ज़ाम दिया था, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट ऐसे एग्ज़ाम दिया था, ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ नहीं दिया था. बट इन द सेकेंड अटैम्प मैंने बहुत एंथुजियाज़म के साथ, बहुत सारी प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था और बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था. बट आई ऑलवेज़ यूज़ टू हैव अ सेल्फ डाउट कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं एग्ज़ाम के क्रैक भी होगा नहीं होगा, मतलब मेरे अंदर से होता था कि एक थोड़ा सा सेल्फ डाउट होता था. बहुत सारी प्रिपरेशन करने के बाद भी, सब कुछ अच्छे से पढ़ने के बाद भी मेरे को लगता था कि चलो पता नहीं, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में दे देंगे. बट मुझे नहीं पता था कि इस पॉइंट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, कि जो आप सोचते हो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई, बट जब मेरा रिजल्ट आया CSIR का, आई वॉज एबल टू क्वालिफाई द नेट एग्जामिनेशन. बट मेरा JRF नहीं हुआ था और विद अ वेरी फ्यू मार्क्स, कि मेरा एक भी क्वेश्चन अगर नेगेटिव नहीं होता तो मेरा इजीली JRF क्वालिफाई हो जाता. बहुत ही कम मार्क्स से मेरा JRF रुका था. सो दैट वॉज वेरी, मतलब बहुत बुरा लगा मुझे उस वक्त कि इतने कम मार्क्स से मेरा नहीं हुआ. बट फिर इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट मैंने ये सोचा कि क्यों, मतलब सब कुछ तो पढ़ा था, सब कुछ रिवाइज़ भी किया था, बट क्यों नहीं हुआ. देन आई रियलाइज़ कि मेरे को अंदर से सेल्फ डाउट था कि मेरा होगा कि नहीं होगा. इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो मैंने देखा कि मैंने ये सोच लिया था कि मेरे को करना ही करना है इस बार, और इस बार मेरा डेफिनेटली होगा, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा ना हो. इस मोटिवेशन के साथ मैंने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की और दोबारा से सब कुछ पढ़ा, और कभी भी अपने मन में ये नहीं आने दिया कि ये मेरा नहीं होना. मैंने बस ये सोचा था कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है और इस अटैम्प्ट में मुझे JRF क्वालिफाई करना है, स्कॉलरशिप लेनी है, कैसे भी स्कॉलरशिप लेनी है, कोई ही भी सेल्फ डाउट हो ही नहीं सकता, और इसी मोटिवेशन के साथ. बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि ये पता नहीं वर्क करता भी है कि नहीं करता है. आई यूज़ टू राइट इन द डायरी कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है और मैं ये क्वालिफाई कर रही हूँ. आई यूज़ टू इमेजिन कि मेरा क्वालिफाई हो चुका है, पता नहीं जैसा भी है, मुझे आई नो कि आप मुझे आता है. बट व्हेन द रिज़ल्ट केम आई एक्चुअली क्वालिफाइड, और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था आई वॉज़ इन एग्जामिनेशन हॉल, दैट टाइम आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट. उस वक्त भी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि हो जाएगा, अच्छे से किया था मैंने अपना एग्ज़ाम भी. और आफ्टर जब मैं एग्ज़ाम देके आई थी तब भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ है. और जब मैंने अपनी आंसर की मैच की, अपनी रॉ स्कोर कार्ड कैलकुलेट किया, तब भी मेरा स्कोर 120 के प्लस आया था. सो कहीं ना कहीं व्हाट यू थिंक दैट इम्पैक्ट योर लाइफ, सो दैट आई रियलाइज ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन. सो आई होप ये आपको भी रियलाइज़ हो, और आप अपनी मोटिवेशन में नहीं, अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कभी ये ना सोचें कि आपका नहीं होगा. अगर आप ही का आपके ऊपर सेल्फ डाउट होगा तो कैसे ही होगा, सारी प्रिपरेशन करने के बाद भी बहुत मुश्किल हो जाता है होना, क्योंकि अपने आप पे कभी भरोसा कम नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर आप ही सोचेंगे कि आपका नहीं होगा तो कैसे ही होगा. सो डोंट बी नेगेटिव, आप सोचिए कि आपका होगा और ये आपका लास्ट अटैम्प्ट है. और सोचने के साथ साथ उतनी मेहनत भी कीजिए, उसको दोबारा पढ़िए. कभी कभी बहुत कम मार्क्स हमारा रह जाता है और हम बहुत हार्ड फील करते हैं, बट डोंट वरी, आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपको वो सारा मेहनत आपको जो है मिलेगा उसका रिजल्ट. सो यू विल बी एबल टू क्वालिफाई. सो आई होप दिस स्मॉल टिप विल हेल्प यू टू प्रिपेयर वेल, और आप अपनी प्रिपरेशन में कभी भी सेल्फ डाउट नहीं रखेंगे कि आपका नहीं होगा. एंड यू विल प्रिपेयर वेरी वेल, यू विल डू वेरी वेल. सो जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जो आप बोलते हैं वही आपके साथ होता है. सो जस्ट बी पॉजिटिव. कभी कभी तो नेगेटिव हो सकता है इंसान, बट मैक्सिमम टाइम यू ट्राई टू बी पॉजिटिव, और अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने बारे में कॉन्फिडेंट सोचिए, और उसके साथ साथ मेहनत कीजिए. बिना मेहनत की ये मत सोचिए कि आप एग्ज़ाम कॉलेज, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, मेहनत भी कीजिए और अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए. सो आई होप अगर आप मुझसे ऐसी छोटी छोटी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं और स्टोरी शेयर करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और इफ दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.